बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों नष्ट कर दिया? प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। यह दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय में से एक है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। यह विश्वविद्यालय पटना वर्तमान बिहार राज्य में 885 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव में स्थित है। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ अन्य धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी और अनेक देशों के छात्र पढ़ने आते थे। अनेक पुरावी लेखा और 7वीं शताब्दी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री हैंसांग तथा इसिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त। टिबेट, इंडोनेशिया, फ्रांस तथा तुर्की से भी आते थे। आइए वीडियो के माध्यम से द्वारा जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी का पतन कैसे हुआ था और इसके पीछे का कारण क्या था। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन केवल 2 बार इसको पुनर्निर्मित कर दिया गया था। पहला विनाश स्कंदगुप्त 455 और 467 AD के शासनकाल के दौरान मीरपुल के तहत हीन के कारण हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालयों को मरम्मत करवाई और एक बड़ी इमारत के साथ सुधार दिया था। दूसरा विनाश 7वीं शताब्दी के शुरुआत में गौदास ने किया था। इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी, जो 606 और 648 AD में हुआ था। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 में तुर्क सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना से प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक ग्रंथों के जलने के कारण भारत में एक बड़े धर्म के रूप में उभरते हुए बौद्ध धर्म को सैकड़ों वर्ष तक का झटका लग गया था और तब से लेकर अब तक यह पूर्ण रूप से इन घटनाओं से नहीं उभर पाया। आइए अब जानते हैं कि आखिर बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों नष्ट कर दिया था। उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्ध द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह काफी बीमार पड़ रहा था। उसने अपने हकीमों के काफी इलाज करवाए, मगर वह ठीक नहीं हो पा रहा था। वह मरण की स्थिति में पहुंच चुका था। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्र को दिखाए और इलाज करवाए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपनी हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं, यह ज्यादा काबिल हो सकते हैं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्री मध्य को बुलाना ही पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा बिना दवा के वह उसको ठीक करे। वैद्यराज ने सोचकर उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों बाद खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान के पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्री भद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान था। फिर उसने देश के ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी। लगभग 9 मिलियन पंडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि उसे जलने में 3 महीने तक लग गए। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों को, भिक्षुओं को हत्या कर दी थी। आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। नालंदा की लाइब्रेरी में तकरीबन 90 लाख पंडुलिपियां और हजारों किताबें रखी हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को दूसरा सबसे प्राचीन
विश्वविद्यालय माना जाता है तक्षशिला के बाद। क्या आप जानते हैं कि यहाँ 800 साल तक अस्तित्व में थी। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास चीन के हैनसांग और इचसिंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी बताया था। इस विश्वविद्यालय में चयन मेरिट के आधार पर होता था और निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, साथ ही उनका रहना और खाना भी पूरी तरह निःशुल्क होता था। इस विश्वविद्यालय में तकरीबन 8-10 हज़ार विद्यार्थी और 2000 अध्यापक थे। इस विश्वविद्यालय में भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया आदि अन्य देशों के छात्र भी पढ़ने आते थे। नालंदा में ऐसी कई मुद्राएं मिली हैं जिससे ज्ञात होता है कि इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने की थी। इस विश्वविद्यालय को बनाने के उद्देश्य ध्यान और अध्यात्म के लिए स्थान को बनाना से था, और ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध खुद कई बार यहाँ आए और रुके भी थे। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी 9 मंजिल की थी और इसको 3 भाग में बांटा गया था। पहला रत्नरंजक, रत्नोदी और रत्नसागर। क्या आप जानते हैं कि इसमें धर्मगुंज नाम की भी लाइब्रेरी थी। सबसे खास बात इस विश्वविद्यालय की थी कि कोई भी फैसला सबकी सहमति से लिया जाता था, यानी कि अध्यापकों के साथ छात्र भी अपनी राय देते थे, यानी कि यहाँ पर लोकतंत्र प्रणाली थी। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष 1.5 लाख वर्ग फीट में मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि यह इस विश्वविद्यालय का सिर्फ 10% ही हिस्सा है, अर्थात ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, जिसे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था